आज का वीडियो एक महान नाटककार को विश्व शांति दर्शन की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। ये बात है सन 1985 की। फ्रांस में दर्शकों के सम्मुख महाभारत के नाटक का मंचन हो रहा था। नाटक 9 घंटे तक चला, जिसमें 16 देशों के 21 कलाकारों के साथ संगीतकारों का भी एक समूह शामिल था। नाटक के निर्देशक थे पीटर ब्रुक्स। जी हाँ, पीटर ब्रुक्स। 2 जुलाई सन 2022 को पेरिस में पीटर ब्रुक्स ने दुनिया के रंगमंच से हमेशा के लिए विदा ले ली। निधन के समय उनकी आयु 97 वर्ष की थी। भारत सरकार ने उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। ब्रुक ने एक 1970 में शेक्सपियर के प्रतिष्ठित नाटक अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का मंचन किया था। 1971 में मराठी थिएटर के निर्देशक और शिक्षक कमलाकर सोंटा के लंदन में थे, जब इसे वेस्ट एंड शो में दिखाया जा रहा था। उनका कहना था कि नाटक का मंचन एक सफेद क्यूबिकल में किया गया था, जो कि विलियम शेक्सपियर के जंगल और दरबार से एक बिल्कुल अलग पुनर्कल्पना थी। नाटक शुरू होते ही व्हाइट क्यूबिकल की दीवारें खुल गईं और बंद हो गईं और परियां मंच के तल पर तैरने लगी, क्योंकि ब्रुक ने हमारी आंखों के सामने एक स्वप्न दृष्टा को संजोया था। मुझे अभी भी एक विशाल लाल पंख पर एक प्रेम दृश्य याद है, जिसमें लड़की हरे रंग के कपड़े पहने हुए थी और लड़के ने हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने थे। वे दोनों हवा में तैर रहे थे। सौभाग्यवश उनसे 3 बार मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। पहली बार जब मैंने उनका मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये नाटक देखा था, तब लंदन में। दूसरी बार एक नाट्य कार्यशाला के लिए वे NCPA में आए थे उस समय। और तीसरी बार महाभारत के कलाकारों के साथ जब वे भारत आए थे उस समय। महाभारत नाटक का मंचन फ्रांस के ऐतिहासिक शहर एवेन्यू में एक खुली चूना पत्थर की खदान में हुआ था। एक माइन थी चूने की। द्रोणाचार्य की भूमिका एक जापानी कलाकार ने निभाई थी। एक अफ्रीकी ने भीष्म और मल्लिका साराभाई, इंडिया से हमारे यहाँ से, उन्होंने द्रौपदी की भूमिका निभाई थी। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया के किस हिस्से से कौन से अभिनेता आए थे। पीटर ब्रुक्स ने प्रत्येक पात्र और नाटक में महाभारत की घटनाओं को चित्रित किया था। प्रदर्शन ने एक भारतीय क्लासिक की व्याख्या करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की संभावनाओं के लिए लोगों की आंखें खोल दी। महाभारत नाटक, जिसने दुनिया भर के देशों का दौरा किया और आलोचकों से प्रशंसा ली, पीटर ब्रुक्स के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच में किया गया महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। जब वो अपना नाटक हिंदुस्तान लेके आए महाभारत, तो मैंने उसके कई सारे प्रयोग देखे और मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसमें बनी हुई फिल्म भी मैंने देखी जो अनूठी थी। I've placed a vulture made of straw and rugs. You this one. Aim. What do you see? 2 साल तक ये शो फ्रेंच और इंग्लिश में प्रदर्शित किया गया था। इसका 1987 में ब्रुक द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नाटक को 3 भागों में बांटा गया था। द गेम ऑफ डाइस, जो जुए का खेल था महाभारत में हुआ, द एग्जाइल इन द फॉरेस्ट, जहां पर पांडवों को अज्ञातवास और वनवास हुआ था, एंड द वॉर, और फिर महाभारत का युद्ध। 1989 में इसे टेलीविजन के लिए 6 घंटे की मिनी सीरीज के रूप में रूपांतरित किया गया था। बाद में इसे नाटकी और DVD रिलीज के लिए एक फिल्म के रूप में लगभग 3 घंटे तक कम कर दिया गया था। पीटर ब्रुक्स ने हमारे लिए मानदंड स्थापित किए और कला में साहस की विरासत छोड़ी, जिसे आज की युवा पीढ़ी को आगे ले जाना चाहिए। पीटर ब्रुक के बारे में जब मैं बात करती हूँ, तब पहले एक स्टेटमेंट, एक उनका एक जो कोट है वो याद आता है। ही वुड से द स्टेज हैज ओनली 2 रूल्स, एनीथिंग कैन हैपन एंड समथिंग मस्ट हैपन। दीज 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेज दैट ही शेयर्ड विद अस एक्टर्स ऑन स्टेज, दे आर रियली इम्पॉर्टेंट एंड दे आर रियली वैलिड टिल डेट। अचेतन को चेतन में, चेतन को अचेतन में परिवर्तित करने की क्षमता उनके रंग निर्देशन में थी। मैंने उनके एक प्रयोग देखा था महाभारत, उसमें कृष्ण, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, तरह तरह के किरदार एकदम आधुनिक तरीके से दिखाए गए थे। ब्रुक वॉज नोन फॉर हिज वर्क राइट फ्रॉम फाउस्टस एंड टू द अडेप्टेशन ऑफ महाभारता। He was also well known for his radical adaptations of Shakespeare. उनका जो पहला परिचय जो मुझे हुआ उनके बारे में, उनकी किताब की वजह से हुआ। मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ता था, तब उनकी किताब द एम्प्टी स्पेस मेरे पढ़ने में आई।
उस किताब ने या उस विषय में पूरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। एक नाटक के प्रति या कुल मिलाकर रंगमंच के प्रति किस तरह से रंगमंच को समझना चाहिए, किस तरह से रंगमंच आगे जाकर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के तहत उस किताब में लिखी थी। पीटर ब्रुक अपने आप में एक रंग चेतना लेकर आए थे। उनका द ओपन स्पेस ये पुस्तक हम रंग कर्मियों के लिए भगवत गीता की तरह पवित्र है। उन्होंने रंगकर्म करने की सारी विधाएं बदल दी। निर्देशन, अंकन, सभी बातों में उनके विचार अनूठे थे। पीटर ब्रुक्स का जन्म 21 मार्च 1985 को लंदन में हुआ था। उनकी माँ एक वैज्ञानिक थी और उनके पिता एक कंपनी निदेशक। 16 साल की उम्र में ब्रुक ने स्कूल छोड़ दिया और एक फिल्म स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया था। वो ऑक्सफोर्ड में विश्वविद्यालय गए और अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया। 1945 में उनका पहला नाटक शेक्सपियर का किंग जॉन था। ब्रुक के नाटक में शेक्सपियर के नाटक मेजर फॉर मेजर, द विंडसर टेल, द टेम्पेस्ट और हैमलेट से लेकर किंग लेयर तक के साथ साथ अवंत गार्डे प्रोडक्शन जैसे नाटक सम्मिलित हैं। पीटर ब्रुक्स को सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए 1964 में टोनी पुरस्कार भी मिला था, जो थिएटर का एक बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह उस दौर के पारंपरिक थिएटर स्पेस को एक अपरंपरागत तरीके से पेश करने का पीटर ब्रुक्स का एक निराला अंदाज था, जो आज आम हो गया है। जी हाँ, आज थिएटर में कारखाने और स्कूल रूम जैसे ऑफ बीट वेन्यू आम है, लेकिन ब्रुक उन अग्रदूतों में से थे जिन्होंने खदानों और जिमों में नाटकों का मंचन किया था। 1970 के दशक में वो ब्रिटेन से पेरिस में रहने के लिए चले गए, जहां उन्होंने एक पुराने संगीत हॉल को एक थिएटर स्थल में बदल दिया। ब्रुक की 1968 की पुस्तक द एम्प्टी स्पेस थिएटर प्रैक्टिशनर्स के लिए अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। उन्होंने द डेडली थिएटर शीर्षक के तहत किताब को इन पंक्तियों के साथ खोला। क्या थी वो पंक्तियां? एंड आई कोट हिम, मैं कोई भी खाली जगह ले सकता हूँ और उसे एक नग्न मंच कह सकता हूँ। एक आदमी इस खाली जगह पर चलता है जबकि कोई और उसे देख रहा है, और थिएटर के एक अभिनय के लिए बस इतना ही आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः विश्व शांति दर्शन परिवार की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन और सब्सक्राइब कीजिए।